हेलो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो जन्म समय से अपने भविष्य के बारे में जानने पर है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट करें और मेरे लिंक को शेयर करें। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की कई वीडियो मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ। यदि आपका जन्म सूर्योदय से पहले हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति प्रतिभाशाली तो होते किंतु व्यक्तित्व कमजोर होता है। ये लोग अपनी बात को खुलकर नहीं कह पाते। जब इनको गुस्सा आता है तब ये लोग अपनी बात खुलकर कह पाते हैं। जब ये बोलते हैं तब बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति निर्णय सही नहीं ले पाते हैं। ऐसे लोगों को माता पिता में से किसी एक का सुख कम मिलता है। सुख कम मिलने का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि वह नहीं रहेंगे। दोस्तों, मेरा मतलब यह है कि किसी एक से कम बनती होगी या कोई एक दूर रहता होगा। ऐसे लोगों के मित्र कम रहते हैं। ऐसे लोगों को अपना लक्ष्य तय कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका मन बहुत ज़्यादा भटकता रहता है। ये लोग व्यवहारिक बहुत कम होते हैं। ये लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन और नेता के क्षेत्र में इन्हें कामयाबी नहीं मिलती है। ऐसे लोगों के लिए शिक्षण काउंसलिंग के क्षेत्र में अपना दबदबा बना सकते हैं। सुबह 6:11 के बीच जिनका जन्म हुआ हो, ऐसे लोग पढ़ने लिखने में तो कम होते पर दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज होते। ऐसे लोग 30 वर्ष के बाद बहुत ज़्यादा तरक्की करते। इन लोगों के जीवन में शुरुआती दिनों में काफ़ी संघर्ष होता है। ऐसे लोगों को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, मतलब दूसरों का सपोर्ट कम मिलता है। ऐसे लोगों को जल का सेवन अत्यधिक करना चाहिए, सौंफ गोला मिश्री का सेवन अधिक करना चाहिए। ऐसे लोगों को अपना निर्णय खुलकर लेने चाहिए। इनके द्वारा लिए गए निर्णय उचित होते हैं। जिनका जन्म 11 से 3 के बीच हो, ध्यान रखने वाली बातें। ऐसे व्यक्ति को गुस्सा कम करना चाहिए। चालाकी चालबाजी से अपना काम कभी ना करें। इन व्यक्तियों को 32 वर्ष तक की उम्र तक बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्तियों को पिता का सहयोग नहीं भी मिल सकता है। ऐसे व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ये व्यक्ति बहुत ज्यादा समाज और राजनीति में अच्छा कर सकते हैं। ये व्यक्ति अपने काम में हेड बनेंगे और अपने टीम को लीड करेंगे। 32 से 38 वर्ष की उम्र में आपका भाग्योदय निश्चित रूप से होगा। इनसे लोग सलाह लेने के लिए आया करेंगे। जिन व्यक्तियों का जन्म 3 के बाद और सूर्यास्त के बीच हुआ हो, इन व्यक्तियों को पेट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इनके पैर थोड़े से कमजोर होते हैं। गैस और पित्त की समस्या इन्हें बहुत ज़्यादा बनी रहती है। इनको सामाजिक इज्जत बड़े सरलता से मिल जाती है। दोस्त बहुत जल्दी बन जाते हैं इनके। माँ के सुख में थोड़ी सी कमी महसूस करेंगे, लेकिन बड़ों की मदद बहुत लंबे समय तक मिलती है इनको, जिसके कारण इनमें उत्साह बहुत ज़्यादा बना रहता है। 27 वर्ष की उम्र के बाद इनकी तरक्की प्रारंभ होती है। जिनका जन्म सूर्यास्त से 9 के बीच हुआ हो, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं। ये लोग नई नई चीज़ें सीखने के बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं। ऐसे लोग अच्छा लिखने, कला और बोलने में और अच्छे सलाहकार के रूप में निपुण होते हैं। इनकी परेशानियाँ, इनकी इच्छा शक्ति कमजोर होती। यदि ऐसे लोग माँ के शरण में रहते हैं तब माँ को भोजन करा देवे या स्वयं पास में बैठ कर कल्या करे। ऐसे लोगों को जीवन में दुर्भाग्य का सामना कम करना। जिन व्यक्तियों का जन्म 9 से 12 के बीच हुआ हो, ऐसे लोग आध्यात्मिक पक्ष में उन्नति करते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। इनमें भी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो सकती है। ये लोग लिखने पढ़ने में तथा कुछ नया बताने में या कुछ नया करने में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा बहुत ज़्यादा होती है। इन लोगों को माता पिता बुजुर्गों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को सोने से पहले अपने इष्ट देव या बिना प्रभु का नाम लिए सोना नहीं चाहिए। जिन व्यक्तियों का जन्म 12 से प्रातःकाल 4 के बीच हुआ हो, ऐसे लोगों को गुरु धारण करना चाहिए, अर्थात गुरु बना लेना चाहिए। ऐसे लोगों को माता पिता, भाई बहन, परिवार से अच्छे संबंध रखने चाहिए। ऐसे लोगों को अपने अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा जगाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों में निर्णय लेने की क्षमता सही नहीं होती है। ये व्यवहारिक नहीं होते। ये लोग जल्दबाजी में निर्णय लेकर अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। ऐसे लोगों का दिमाग वक्त पर साथ नहीं देता है। ऐसे लोगों को माँ के हाथ से सोमवार को चांदी की ठोस गोली लेकर धारण करनी चाहिए तथा सदा
पानी रहनी चाहिए। ऐसे लोगों को फौज, पुलिस, वकालत, राजनीति आदि आसानी से सूट नहीं करते। इनको पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में तरक्की मिलती है। ये लोग सलाह देने में अच्छे होते, सहायता देने के लिए अच्छे होते। ऐसे लोगों को ठंड से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए।